हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एम का टेक। ये है ओप्पो का सबसे सस्ता एंड्रॉयड 4G फ़ोन। अगर बात करें इस फ़ोन की, तो इस फ़ोन को ओप्पो ने सिर्फ कुछ ही दिन पहले इंडिया में लॉन्च किया है। अगर आप सबसे सस्ता ओप्पो का फ़ोन खरीदने मार्केट जाते हैं या ऑनलाइन ट्राई करते हैं, तो ये फ़ोन अब आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो में इस फ़ोन की छोटी सी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इस फ़ोन के अंदर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम इस फ़ोन के बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है हमारा मेन मोबाइल फ़ोन, और इसके नीचे हमें इस फ़ोन का एक मेन चार्जर देखने को मिलता है। इसका पावर रेटिंग है 10 वॉट। और अगर बात करें इस फ़ोन की डाटा केबल की, तो इस फ़ोन में हमें USB to Micro USB केबल देखने को मिलती है। इसके अलावा इस फ़ोन के बॉक्स में हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें इस फ़ोन का एक ट्रांसपेरेंट कवर और कुछ यूजर मैनुअल और एक सिम ट्रे हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इस बॉक्स में हमें कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। अगर बात करें फ़ोन के केस की, ट्रांसपेरेंट केस है जो जल्दी पीला होने वाला है। और लेकिन बात करें इसकी क्वालिटी थोड़ा अच्छी है, जो हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट कर सकता है। बॉक्स से बाहर निकालते ही फ़ोन को जब हम हाथ में पकड़ते हैं, तो फ़ोन हाथ में पकड़ने में बहुत अच्छा फील होता है। एक अच्छा महंगा जैसा ऐसा लगता है कि हम बहुत महंगा फ़ोन अपने हाथ में पकड़ रहे हैं। अगर बात करें इस फ़ोन के बैक डिज़ाइन की, तो इस फ़ोन का बैक हमें पूरा पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है। ये फ़ोन हमें बहुत अच्छी वाली ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलती है। फ़ोन जो है एकदम बहुत अच्छा ग्लॉसी शाइन करता है। अलग अलग एंगल से देखने में कुछ अलग अलग टेक्सचर वाले कलर इसके हमें इसमें बनते हुए दिखते हैं, जो अभी देखने में काफ़ी लेकिन जो ये फ़ोन की बैक है बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, तो इसमें फिंगरप्रिंट तो बड़ी आसानी से बिना बुलाए आएंगे और इसमें जल्दी स्क्रैच आने के चांस भी है। तो अगर हमें इस फ़ोन को ऐसे ही बनाए रखना है, तो बैक साइड में लेमिनेशन करनी पड़ेगी या फिर एक अच्छा कवर लगाना पड़ेगा। और अगर बात करें सबसे ऊपर वाले कॉर्नर की, तो इसमें हमें स्क्वायर शेप में कैमरे का बम्प देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। जब हम फ़ोन को ऐसे नीचे रखते हैं तो आवाज़ करता है, थोड़ा ऊँचा ऊँचा उठा में फील होता है। और अगर बात करें फ़ोन के फ्रंट साइज़ की, इसकी फ्रंट साइड काफ़ी अच्छी है। फ़ोन बहुत पतला है, स्लिम है। कंपनी ने पहले से इस फ़ोन की स्क्रीन में एक स्क्रीन गार्ड लगा के दिया है, जो हमारे फ़ोन को काफ़ी हद तक छोटे मोटे स्क्रैच से, छोटे मोटे गिरने से प्रोटेक्ट करेगा। और अगर बात करते हैं इस फ़ोन के साइड के बेजल्स की, तो इसके बेजल नॉर्मल थोड़ा बड़े बड़े हैं। और सबसे ऊपर हमें इस फ़ोन में एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है। अगर बात करें इस फ़ोन के कलर वेरिएंट के बारे में, तो जो मेरे पास ये कलर है, ब्लू कलर वाला फ़ोन है। इसके साथ साथ ये फ़ोन हमें दो कलर में और देखने को मिलता है, वाइट कलर और ब्लैक कलर। अगर आपको ब्लैक कलर पसंद है, तो आप ब्लैक वाला ले सकते हो। अगर आपको वाइट पसंद है, तो वाइट फ़ोन भी आप परचेस कर सकते हो। मेरे पास ये ब्लू वाला फ़ोन है, जो देखने में कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। अगर बात करते हैं इस फ़ोन की स्क्रीन साइज़ की, तो इस फ़ोन में हमें 6.52 इंच की एक बड़ी सी स्क्रीन देखने को मिलती है। ये एक IPS LCD वाली स्क्रीन है। अगर बात करें इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो इस फ़ोन में हमें 83% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। इस फ़ोन की स्क्रीन में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3K प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जिससे फ़ोन की स्क्रीन थोड़ा सा मजबूत हो जाती है और आसानी से कोई स्क्रैच नहीं आते और गिरने पर भी आसानी से ये फ़ोन नहीं टूटता है। अगर बात करते हैं इस फ़ोन के स्क्रीन की रिफ्रेश रेट की, तो इस फ़ोन में हमें नॉर्मल सा बेसिक से जो 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो थोड़ा हल्का है। और अगर बात करते हैं इस फ़ोन की स्क्रीन क्वालिटी की, सारे कलर्स हमें देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। इस फ़ोन में हमें सिर्फ 480 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जिससे हम इस फ़ोन को जब कोई धूप में या बाहर सनलाइट में या बहुत उजाले वाले जगह में यूज करते हैं, तो इसके स्क्रीन की विजिबिलिटी थोड़ा कम हो जाती है, एकदम साफ साफ नहीं दिखता है। और इस फ़ोन में हमें कुछ आई प्रोटेक्शन वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो इस स्क्रीन को कंपनी आई प्रोटेक्टेड स्क्रीन बोलती है, जिससे हमारे फ़ोन की जो आँखों में कम इफेक्ट पड़ेगा और हमारी आँखें सेफ रहेगी, उनमें कोई गलत प्रभाव इस फ़ोन से नहीं पड़ेगा। और अगर बात करें इस फ़ोन के प्राइस की, तो ये फ़ोन हमें सिर्फ एक 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाले वेरियंट में देखने को मिलता है, जिसकी कीमत है 10,500 रुपये। अगर आप इस फ़ोन को ऑफलाइन स्टोर में जाकर मार्केट से खरीदते हैं, तो ये फ़ोन आपको 10,300 रुपये तक का भी मिल जाता है, लेकिन अगर इसको ऑनलाइन खरीदेंगे तो ये आपको 10,500 का मिलेगा। अगर बात करें इस फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये फ़ोन ओप्पो के अपने कलर OS 11.1 पर रन करता है, जो एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है। अगर बात करें कलर OS काफ़ी अच्छा OS। अगर बात करें मेरी पर्सनल चॉइस की, तो ओप्पो का जो कलर OS है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पर्सनली। इसमें जो भी ऑप्टिमाइजेशन कंपनी ने किया है, काफ़ी अच्छी तरीके से किया है। तो जो ये इस UI को अगर आप यूज करते हैं, तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वाले फ़ोन में कंपनी हमें पहले से कई सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप देती है, जिस अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इन एप्लीकेशन को बिना किसी परेशानी के बड़ी आसानी से अपने फ़ोन से हटा सकते हैं। और अगर बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो इस फ़ोन में हमें MediaTek की तरफ से आने वाला P35 प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो 12 nm पर बेस्ड है, जो 2.3 GHz की क्लॉक स्पीड पर रन करता है। अगर बात करें इस प्रोसेसर की, थोड़ा काफ़ी पुराना प्रोसेसर हो गया है। ओप्पो अपने कई सारे फ़ोनों में इस प्रोसेसर को पहले से यूज करता आ रहा है, तो इस बार भी उसने वही प्रोसेसर हमें दिया है, लेकिन ये एक बेसिक सा प्रोसेसर है, जिससे हम सिर्फ नॉर्मल से काम कर सकते हैं। किसी भी बड़े एप्लीकेशन या हैवी गेम खेलने के लिए प्रोसेसर काम में नहीं आएगा।
अगर बात करें इस फोन के कैमरे की तो इस फोन के बैक साइड में हमें 13 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा देखने को मिलता है। जब आप इस फोन को दूर से देखते हैं तो आपको लगता है कि इस फोन में बैक साइड में दो कैमरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस फोन में हमें सिर्फ एक कैमरा देखने को मिलता है। कंपनी ने इस फोन के बैक का कैमरा डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाया कि जब आप पहली बार इस फोन को देखोगे तो आपको लगेगा दो कैमरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब इस फोन में सिर्फ हमें सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, कोई भी डुअल कैमरा इस फोन में हमें देखने को नहीं मिलता है। इस फोन का जो 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है वो नॉर्मल से काम करता है। अगर बात करें इस कैमरे की तो ये कैमरा एक F2.2 के अपर्चर पर काम करता है। इस फोन के हेल्प से हम एक 5x तक का डिजिटल जूम भी कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं इस फोन के कुछ अदर कैमरा फीचर्स के बारे में, तो इस फोन में हमें वीडियो, फोटो, पैरानोमा, टाइम लैग्स, एक्सपर्ट ऐसे काफ़ी सारे मोड देखने को मिलते हैं। क्रोमा बूस्ट मोड भी हमें इस फोन में देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से हम एकदम रंग बिरंगी चमकती हुई सैचुरेटेड इमेज ले सकते हैं। और अगर बात करें इस फोन के सेल्फी कैमरे की, तो इस फोन में सिर्फ 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हमें देखने को मिलता है, जो नॉर्मल सी बेसिक सी सेल्फी ले सकता है। इसकी सेल्फी में हमें ब्यूटी वाले बहुत सारे मोड देखने को मिलते हैं, जिससे हम कुछ अलग अलग मोड वाली फोटो खींच सकते हैं। मैं आपके सामने इस फोन के कुछ कैमरा सैंपल शो कर रहा हूँ, जिनको देखने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस फोन का कैमरा कैसा है। अगर आप बात करें इस फोन के कुछ मेरे हिसाब से इस फोन के कैमरा सैंपल्स की, तो एकदम बेसिक से यूज के लिए काफी अच्छे कैमरा सैंपल है। हमें काफी अच्छी फोटो इसकी सेल्फी में देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें इस फोन के कुछ अदर फीचर्स के बारे में, तो इस फोन में हमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से हम 3 कार्ड बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। इस फोन में हमें डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिलता है, डुअल 4G देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, और जो भी नॉर्मल से बेसिक से सेंसर जो भी हमें काम के होते हैं वो सभी हमें इस फोन में देखने को मिलता है। और अगर बात करें इसके सिक्योरिटी ऑप्शन की, तो इस फोन में हमें सिर्फ एक फेस लॉक देखने को मिलता है। कंपनी ने इस रेट में 10,500 की कीमत में भी कोई हमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया, तो ये यहाँ पे इस चीज़ को हम काफ़ी मिस कर सकते हैं। ओप्पो का जो इससे पहले का फ़ोन था ओप्पो A11 के, ये फ़ोन उसी फ़ोन का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इस फोन को हम उस फोन का एक सक्सेसर भी कह सकते हैं, लेकिन अगर बात करें फीचर्स के हिसाब से तो ये फ़ोन हमें उस फोन का एक डाउनग्रेड लगता है। कई सारे फीचर्स कंपनी ने उस फोन के हिसाब से हमें इसमें कम कर दिए हैं। इस फोन में हमें बैक साइड में हमें एक सिर्फ सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जबकि बात करते हैं उस वाले फ़ोन की, तो उस फोन में हमें डबल रियर कैमरा देखने को मिलता था। आज के ज़माने में जहाँ एक 5000 mAh की बैटरी नॉर्मल सी बात बन गई है, तो ओप्पो यहाँ पे आसानी से एक 5000 mAh की बैटरी दे सकता था, जिससे इस फोन की बैटरी लाइफ थोड़ा बढ़ सकती थी। इस फोन में हमें सिर्फ 4200 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो थोड़ा कम है। ओप्पो ने इस वाले फ़ोन में अपने जो भी पुराने फ़ोन था ओप्पो A11 के, उसके हिसाब से इस फोन का स्क्रीन का साइज़ थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन जो एक नॉर्मल सा साइज़ था 6 इंच की स्क्रीन, वो स्क्रीन थोड़ा पकड़ने में हाथ में अच्छी लगती थी। इस समय ओप्पो ने इस फोन की स्क्रीन का साइज़ काफ़ी बड़ा कर दिया, जिससे फ़ोन हाथ में पकड़ने में टॉल होता है। ओप्पो की जो सबसे सस्ती एंड्रॉयड वाली सीरीज थी, इसके फ़ोन में थोड़ा छोटे देखने को मिलते थे। ये फ़ोन उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, जैसे घर में लेडीज़ होती हैं जिन्हें कहीं बाहर जाना होता है, तो बड़ा फ़ोन में कैरी करने में दिक्कत होता है। कोई लोग ऐसा होता है जिनको छोटी स्क्रीन वाला फ़ोन पसंद होता है, तो वो फ़ोन उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे थे और हाथ में पकड़ने में काफ़ी अच्छे फील होते थे। लेकिन ओप्पो ने यहाँ पे इसकी स्क्रीन का साइज़ को भी काफ़ी बढ़ा दिया है, जिससे जो लोग छोटी स्क्रीन वाला फ़ोन पसंद करते थे वो इस फ़ोन को नहीं ले सकते। इस फोन में हमें एक चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा खलती है, वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। ओप्पो का जो भी इस रेंज के पहले के फ़ोन थे, जैसे ओप्पो A15 या ओप्पो A11 के, उन फोन में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता था। अगर हमारे फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, तो हम अपने फ़ोन को काफ़ी आसानी से बड़ी जल्दी अनलॉक कर लेते हैं, जिससे हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है। लेकिन ओप्पो ने अपने इस वाले फ़ोन से उस फिंगरप्रिंट सेंसर को रिमूव कर दिया है, जिसके कारण भी ये फ़ोन एक थोड़ा डाउनग्रेड वर्जन हमें यूज़ करने में फील होता है। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये ओप्पो का नया वाला फ़ोन कैसा है। अगर आपको एक अच्छे डिज़ाइन वाला एक पतला सा एकदम स्लिम सा फ़ोन चाहिए, तो आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। और अगर आपको नए नए फीचर्स काफ़ी नई नई चीज़ें चाहिए अपने फ़ोन में, तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं बना है। अगर आप इस फ़ोन को खरीदते हैं, तो आपको उन सभी नए नए फीचर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर आपको एकदम क्लीन सा अच्छा सा OS चाहिए, तब भी आप इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने से आपको इस फ़ोन के बारे में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो की हेल्प से आपकी आसानी से हेल्प हो जाएगी कि आपको ये फ़ोन खरीदना है या नहीं खरीदना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय, जय हिंद।